हिंदुस्तान में बहादुर बेटों की कमी नहीं है। इस मुल्क की मिट्टी उनके खून से लहराई हुई है। तुमने एक राक्षस को तो दबोच लिया, लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिया। क्या फिल्म पुष्पा ने भी अपनाई ट्रिपल आर की स्ट्रेटेजी? एसएस राजामौली ने क्यों दी कास्ट और क्रू को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग? क्या ट्रिपल आर का नया प्रमोशनल सॉन्ग आने वाला है? हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका और स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज की आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे फिल्म ट्रिपल आर से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों पर। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऑडियंस के लिए फिल्म की मार्केटिंग करना फिल्म मेकर्स के सामने आने वाली कई सारी चुनौतियों में से एक होती है। भले ही आज इस महामारी ने सभी को अपने अपने घरों पर कैद कर लिया हो, लेकिन फिल्मी स्टार्स तो अपने फैंस को बोर करना ही नहीं चाहते, इसीलिए तो बैक टू बैक सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा रहे हैं। लेकिन उन्हें भी इस पैंडेमिक में काफी सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा था। फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों के गाने, फिल्मों के पोस्टर्स सही वक्त देखकर ही रिलीज करते हैं। जैसे फिल्म ट्रिपल आर का थीम सॉन्ग दोस्ती भी फ्रेंडशिप डे पर ही रिलीज हुआ था, ऐसा ही एक गाना फिल्म पुष्पा से भी आने वाला है। फिल्म का थीम सॉन्ग 13 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। इस गाने की खास बात तो ये है कि ये गाना फिल्म ट्रिपल आर के जैसे ही 5 सिंगर्स ने अलग अलग लैंग्वेजेस में गाया है, और ऐसी ही स्ट्रेटेजी अपनाई थी फिल्म ट्रिपल आर ने भी। तो फिल्म ट्रिपल आर का गाना तो काफी सफल रहा, लेकिन उसमें विजुअल देने में फिल्म कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई। अब इस वक्त राजामौली यूक्रेन की खूबसूरत लोकेशंस पर शूट कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि इस फिल्म का नया प्रमोशनल सॉन्ग आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि एसएस राजामौली भी एक नए प्रमोशनल सॉन्ग की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी सॉन्ग दोस्ती की लाइंस पर, या हम कह सकते हैं कि दोस्ती 2 जल्द ही आने वाला है। सॉन्ग दोस्ती को कार्तिकेय ने डायरेक्ट किया था, लेकिन दोस्ती 2 को खुद राजामौली ही डायरेक्ट करेंगे, यानी कि वो फिल्म को एक लेवल और ऊपर ले जाने के लिए पूरी तैयारी में है। और इसी के लिए फिल्म डायरेक्टर ने कास्ट और क्रू को कड़ी चेतावनी दी है कि वो इस बारे में किसी से भी कुछ ना कहें। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के बारे में कोई भी जानकारी वो खुद देंगे, यानी कि फिल्म को देश भर में प्रमोट करने की सारी जिम्मेदारी एसएस राजामौली ने अपने हाथों में ली है। अब इस प्रमोशनल सॉन्ग में क्या कुछ नया आने वाला है, इसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस फिल्म की और ग्लैमरस दुनिया की नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।